ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। अब देखो, पिछला जो रॉ का एपिसोड था उससे पहले मैंने आपको वीडियो में कहा था कि जो अगली रॉ होने वाली है उसको बिगाड़ने के लिए बहुत ही शक्तिशाली ताकतों की जरूरत है, क्योंकि वो वाला रॉ का एपिसोड कमाल का होने वाला है। और वो एपिसोड सच में कमाल का भी था। और सिमिलरली मेरे जो पिक हैं वो कुछ, मेरा जो टेक है वो कुछ ऐसे ही कल होने वाली रॉ के एपिसोड के लिए, जो कि गाइज एक बार फिर से बन सकता है बहुत ही कमाल का एपिसोड, जहां पर एज स्टाइल्स, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकइंटायर, शेना बेजलर, बेकी लिंच एंड गाइज सबसे ज्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड देखने को मिल सकती है एज एंड रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट से। आप लोग यहां पर कुछ और ही सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पर आपको काफी ज्यादा सरप्राइज कर दे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कल होने वाली मंडे नाइट रॉ को लेकर प्रेडिक्शन या फिर कल होने वाली रॉ के बारे में बात करने वाले, और मैं टाइम आपका ज्यादा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने चैनल पर सुबह वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने पूरा एलिमिनेशन चेंबर का शो कवर कराया, कैसे अंडरटेकर आ गए जिस साइल्स के ऊपर अटैक करने, एलिस्टर ब्लैक की बड़ी जीत हुई, सैमी जेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके, तो पूरा शो है इस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वाली वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग उसे भी जाकर देख सकते हैं। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। सबसे पहले गाइस, हम लोग शुरुआत करते हैं एज स्टाइल्स और अंडरटेकर की स्टोरीलाइन से। तो कल रॉ के एपिसोड में एज स्टाइल्स आकर एक प्रोमो कट कर सकते हैं और यहां पर वो बता सकते हैं कि भाई अंडरटेकर का बहुत हुआ और अब मेरे को अंडरटेकर के साथ एक मैच रेसल करना है 1-on-1, और ये मैच मैं चाहता हूं रेसलमेनिया 36 के अंदर। और पॉसिबली हो सकता है गाइस हमें अंडरटेकर शो अप करते हुए दिखाई दें रॉ के एपिसोड में, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अगर वो आ सकते हैं तो उसके बाद रॉ के एपिसोड में आने का भी उनका अच्छा चांस है कि वो जो है वहां पर भी अपीयर हो, जिससे उनका जो मैच होने वाला रेसलमेनिया 36 में शायद एज स्टाइल्स के खिलाफ उसको WWE अच्छे से बिल्ड कर सके। और यहां पर इंटरेस्टिंग थिंग ये भी होगी कि इन सारी चीजों के अंदर एलिस्टर ब्लैक का कैसा रोल होता है, क्या WWE इस वाली फ्यूड के अंदर एलिस्टर ब्लैक को भी डालने वाली, या फिर अंडरटेकर के साथ एलिस्टर ब्लैक होंगे, या फिर क्या सीन होने वाला है। कल शायद रॉ के एपिसोड में हमें जो डायरेक्शन है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि WWE किस तरीके से अंडरटेकर को बुक करने वाली है, एज स्टाइल्स के साथ वो क्या करेगी, और क्या एलिस्टर ब्लैक को भी इन सारी चीजों में इन्वॉल्व किया जाता है। इसी के साथ गाइस हम लोग बढ़ते हैं अगली थिंग की तरफ, और हम लोगों ने एलिमिनेशन चेंबर के मेन इवेंट में देखा कि कैसे शेना बेजलर ने सभी को धो दिया है। और अब गाइस रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 36 में बैकी लिंच और शेना बेजलर का जो मैच है वो भी ऑफिशियल हो चुका है। तो गाइस कल रॉ के एपिसोड में हो सकता है कि आपको एक बार फिर से शेना बेजलर डोमिनेट करती हुई दिखाई दें, क्योंकि WWE यहां पर फैंस को ये बिलीव करवाना चाहती है कि इतने लंबे टाइटल रेन के बाद फाइनली बैकी लिंच के पास एक ऐसा अपोनेंट आया जो कि सच में उनके लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है। और अगर WWE ऐसे रेसलमेनिया 36 तक इनको बिल्ड करना चाहती है तो जरूरी है कि शेना बेजलर को बैकी लिंच के सामने भी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाए। आपको वाला रॉ का तो कांड याद होगा जब शेना बेजलर वैम्पायर बन गई थी, तो ऐसा ही कुछ आपको सिमिलर रॉ के एपिसोड में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैकी लिंच को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो है द मैन और WWE उनको भी काफी अच्छी तरीके से बुक करती है। US चैंपियनशिप फ्यूड की बात करें तो गाइस अब मुझे नहीं लगता कि WWE हमें ज्यादा कुछ दिखाने वाली है हुम्बर्टो एंड एंड्राडे के बीच, दिखाएगी जरूर, लेकिन गाइस यहाँ पर आपको मैं एक बड़ी थिंग बता दूं कि एक बड़ा रूमर आ रहा है कि WWE पॉसिबली एक फैटल फोर वे मैच करवा सकती है रेसलमेनिया 36 में US चैंपियनशिप के लिए। और ये हो सकता है एंड्राडे वर्सेस हुम्बर्टो करियो वर्सेस एंजल गार्जा वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच। तो आपको हो सकता है कल रॉ के एपिसोड में कुछ ऐसे ही देखने को मिले और सारी जो चीजें हैं वो एक फैटल फोर वे मैच की तरफ लीड कर सकती हैं। नेक्स्ट थिंग की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये जुड़ी है केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस से। अब मुझे देखकर यहां पर ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस अब रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स को बिल्कुल भी चेज नहीं करने वाले। उनको सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्फी है वो सॉरी भी कह रहे हैं कि मेरी वजह से हम लोग एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैच नहीं जीत पाए। और गाइस मुझे लग रहा है कि WWE का सारा फोकस केविन ओवंस एंड सेथ रॉलिंस की स्टोरीलाइन को बिल्ड करने के लिए होगा। और मुझे यहां पर एक चीज थोड़ी सी अजीब लग रही है कि सेथ रॉलिंस एक हील है और उनको थोड़ा सा WWE डरपोक सा दिखा रही है, या फिर उनको ऐसा दिखा रही है कि वो वीक है। तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद सेथ रॉलिंस जरूर कुछ केविन ओवंस से बदला ले सकते हैं, या फिर WWE एक बार फिर से इन दोनों के बीच हमें सेगमेंट दिखा सकती है। और देखकर तो यहां पर यही लग रहा है कि WWE केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस का हमें एक सिंगल्स मैच दिखा सकती है रेसलमेनिया 36 के लिए, और शायद यही चीज की WWE प्रोग्रेस आगे कर सकती है। और मैं चाहता हूं यार कि यहां पर सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा अपर हैंड दिखाया जाए, क्योंकि हर बार अगर केविन ओवंस आकर ऐसे करते हैं वो भी हील सुपरस्टार के सामने, तो हील सुपरस्टार काफी ज्यादा वीक दिखाई देता है। और जो सेथ रॉलिंस का हील टर्न था वो इतना कुछ कमाल का मुझे अभी नहीं लग रहा, मतलब शुरू में लग रहा था, लेकिन जब वो अब इतनी बार हार चुके हैं तो मैं चाहता हूं कि सेथ रॉलिंस को WWE थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाए और देखकर लगे कि हाँ केविन ओवंस ने जो सेथ रॉलिंस के साथ किया है उसको लेकर सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा गुस्सा है। नेक्स्ट थिंग की बात करें तो गाइस ये आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगी कल रॉ के एपिसोड में, खुश कर देगी इन द सेंस कि यहां पर आपको कुछ तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूं ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर की। अब लास्ट रॉ के एपिसोड में आपने इतना तगड़ा तोड़ा है ब्रॉक लेसनर को, तो भाई आपके भी यहां पर खैर नहीं है। और मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर जो है कुछ वैसे ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को, जैसे कि ड्रू मैकइंटायर ने लास्ट वीक किया था ब्रॉक लेसनर को। अब क्योंकि देखो मैच काफी ज्यादा बड़ा है WWE चैंपियनशिप के लिए, तो मैं यहां पर चाहता हूं कि WWE कुछ अच्छे यहां पर क्रिएटिव मूव्स हमें दिखाए, कुछ और मसाला ऐड करे, सिर्फ ऐसा ना हो कि एक बंदा आके एक को तोड़ रहा है दूसरे को तोड़ रहा है, सिर्फ ब्रॉल हो रही है। मैं यहां पर चाहता हूं कुछ WWE इंटरेस्टिंग और यूनिक करे, ताकि ब्रॉक लेसनर और ड्रू मैकइंटायर की स्टोरी
स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आए। और वैसे भी WWE अगर ज्यादा कुछ यहाँ पर मसाला नहीं भी डालती तो भी मेरे हिसाब से चीजें बढ़िया ही होने वाली है, लेकिन क्योंकि WWE चैंपियनशिप का मैच है तो फिर यहाँ पर WWE को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। बट हाँ, कल आपको ब्रॉक लेसनर की रॉ के एपिसोड में तबाही या फिर आतंक देखने को मिल सकता है। और गाइस, सबसे बड़ी थिंग की बात करें जिसका आप लोग वेट कर रहे हो पिछले एक महीने से भी ज्यादा से कि आखिर कब एज रॉ के एपिसोड में आएंगे और वो रैंडी ओटन से अपना बदला लेंगे। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली रॉ के एपिसोड के लिए एज तो कंफर्म है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं। तो यहां पर हम जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये कि एज आकर बहुत तगड़ा बदला ले सकते हैं रैंडी ओटन से। एक तो उन्होंने रॉयल रंबल के बाद जो एज को पीटा था उसका, और उसके बाद हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि कैसे रैंडी ओटन ने बेथ फिनिक्स के ऊपर अटैक किया। तो अपना बदला तो लेंगे, लेकिन अपनी धर्मपत्नी का भी वो बदला लेने वाले हैं। बट गाइज, यहाँ पर थिंग ये है कि एज बदला जरूर ले सकते हैं, लेकिन WWE यहाँ पर स्टिल हमें ऐसा भी दिखा सकती है कि अभी एज का जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि WWE इस चीज को घसीटेगी रेसलमेनिया 36 तक। आपको पता है रॉ के काफी सारे एपिसोड्स आने बाकी है और जो स्टोरी लाइन है वो कुछ ऐसी है कि जैसे कि फैंस ही देखने के लिए तड़प रहे हैं कि एज कब मारेंगे रैंडी ओटन को। और आपको पता है कि जब फैंस तड़पते हैं तो WWE जानती है कैसे फैंस को और भी ज्यादा तड़पाना है। तो ऐसा हो सकता है कि एज अटैक करने तो आए रैंडी ओटन को, लेकिन रैंडी ओटन किसी तरीके से एस्केप कर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि रैंडी ओटन को ही अपर हैंड मिल जाए ताकि आने वाले जो रॉ के एपिसोड्स हैं उनको लेकर फैंस का इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अगर एज एक ही रॉ के एपिसोड में आकर रैंडी ओटन को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं तो थोड़ा सा आने वाले रॉ के एपिसोड्स के लिए हमारा मजा फीका हो सकता है। तो WWE इस वाली थिंग को आने वाले किसी रॉ के एपिसोड के लिए बचा सकती है, और ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बुराई है, लेकिन कुछ भी हो कल रॉ के एपिसोड में इनका जो भी सेगमेंट होगा मजा तो जरूर आएगा। कुछ ना कुछ तो एज जो है स्ट्राइक करेंगे रैंडी ओटन को, लेकिन देखते हैं रैंडी ओटन कैसे बच पाते हैं या फिर रैंडी ओटन के पास इस वाले मूव का भी कोई जवाब होता है और क्या एज अपना बदला कुछ हद तक पूरा कर पाते हैं रॉ के एपिसोड में। लेकिन अब इसके लिए आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल आपको 9 बजे के आसपास चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पर जरूर आ जाना। ये वाली वीडियो गाइस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।